और दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का एक्शन जारी है। कैलाश गहलोत को ईडी ने समन दिया है और ईडी ने कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया है। समन के बाद ईडी दफ्तर पहुंचे हैं कैलाश गहलोत। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, चूंकि इस मामले में पहले से ही आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल में हैं, जिसमें संजय सिंह, जिसमें मनीष सिसोदिया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। और पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, शराब घोटाले में कैलाश गहलोत की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए, हम बात करें तो तमाम जो नेता है आम आदमी पार्टी की, उनकी मुश्किलें तमाम अलग अलग मामलों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच ईडी की ओर से समन जो है वो कैलाश गहलोत को भेजा गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ईडी ने कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया था और समन के बाद ईडी के दफ्तर पहुंचे हुए कैलाश गहलोत। हालांकि किस मामले में कैलाश गहलोत से ईडी आज पूछताछ करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कहीं ना कहीं आपने देखा कि एक के बाद एक कई नेताओं से जो पूछताछ है वो पिछले कुछ महीनों में ईडी ने की है, और खासतौर पे शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले में ये पूछताछ हुई है। हालांकि कई अलग अलग मामलों में भी तमाम नेताओं से इस बीच पूछताछ हुई है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं शराब घोटाले में, नई शराब नीति मामले में लगातार जो एक्शन है वो ईडी का जारी है। इसके साथ ही अलग अलग मामले भी जो चल रहे हैं उस मामलों में भी कहीं ना कहीं ईडी की ओर से समन तमाम नेताओं को भेजे जा रहे हैं। और इस बीच कैलाश गहलोत जो कि दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। और कहीं ना कहीं अगर संभवतः दिल्ली शराब घोटाले मामले में अगर इनसे पूछताछ होती है तो निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, खासतौर पर जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी ने इस दौरान पूछे हैं, उसी से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो जो है कहीं ना कहीं ईडी पूछ सकती है कैलाश गहलोत से। तो निश्चित रूप से लगातार आपने देखा कि एक के बाद एक कई नेताओं से पूछताछ हुई। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि लगातार ईडी जो है वो परेशान करने का काम कर रही है, बीजेपी पर भी आरोप लग रहे हैं ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का। तो एक बड़ा एक्शन कहीं ना कहीं आज भी कैलाश गहलोत पर हुआ है और ईडी ने समन भेजा और पूछताछ के लिए वो ईडी के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में पीयूष, क्योंकि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई नेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के एक पार्टी बनी, उस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, उसमें संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया है, केजरीवाल खुद मुश्किलों में, अब कैलाश गहलोत का नाम सामने आ रहा है। तो माना जाए कि आम आदमी पूरी पार्टी जो है ये सिर्फ किसी एक नेता की नहीं बल्कि पूरी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि किसी एक नेता पर नहीं बल्कि कई नेताओं पर इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो आरोप है, शराब घोटाले से मामला जुड़ा हुआ है, इसके आरोप लगे हैं। और लगातार ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है, तो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इसमें तमाम और नेताओं के भी नाम, आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। और यही कारण है कि ईडी की ओर से एक के बाद एक जो समन है वो अलग अलग नेताओं को भेजा जा रहा है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में और भी जो आम आदमी पार्टी के नेता है, अगर ईडी को लगा तो उनकी भी हिरासत ईडी जो है वो ले सकती है, यानी कि उसे गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि ईडी अभी पूरे मामले में पूरी तरीके से जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है, जो आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी रिमांड पर हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो कहीं ना कहीं शराब नीति से जुड़े हुए मामले में लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें या मंत्रियों की बात करें, उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है। और आज एक बार फिर कहीं कहीं ईडी की ओर से समन जारी हुआ। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो कैलाश गहलोत को ईडी ने समन दिया था और अब पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। तो दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है।